दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब शुक्र ग्रह कुंडली के 11वें घर में बैठा होता है, जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। दोस्तों, ये फलादेश मैं आपको सभी 12 जन्म लग्न कुंडलियों के हिसाब से बताने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप घर बैठे ही अपनी कुंडली का स्टीक फलादेश मुझसे कराना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की कुंडली में जब शुक्र ग्रह 11वें घर में बैठा होगा तो जातक को क्या क्या फल देता है, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह मुख मार्गिक होता है क्योंकि यह धन भाव का स्वामी है और सातवें घर का स्वामी है, जिसके कारण मुख मार्गिक होता है। लेकिन यहाँ पर शुक्र ग्रह लाभ स्थान में यानी कि 11वें घर में बैठा है और मित्र राशि में बैठा है। कुंभ राशि शुक्र ग्रह के अपने मित्र शनि ग्रह की राशि है, जिसके कारण यहाँ पर शुक्र ग्रह आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। चाहे कुंडली का मार्केश है फिर भी, क्योंकि ये लाभ घर में बैठा है, एक अच्छे घर में बैठा है। लाभ घर में कोई भी ग्रह हो तो ज्यादातर अच्छे फल ही देते हैं, तो इसके कारण शुक्र भी यहाँ पर आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। क्या अच्छे फल देगा? क्योंकि ये कुंडली में जीवन साथी भाव का स्वामी है, जीवन साथी उठ के चला गया लाभ के घर में, जिसके कारण क्या होगा, जब भी जातक का विवाह होगा, विवाह के बाद जातक को जातक का भाग्योदय होगा और विवाह के बाद जातक को लाभ होगा, नौकरी में लाभ होगा, व्यापार में लाभ होगा, लाभ में बढ़ोतरी हो जाएगी और पत्नी भी कमाने वाली होगी। इसके अलावा जातक के जो आमदन के साधन है वो एक से अधिक होंगे क्योंकि ये धन का स्वामी है। जातक के पास कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, वाणी का स्वामी है, वाणी जातक की मिट्टी होगी। इसके अलावा क्योंकि वाणी का स्वामी है, जिसके कारण जातक की वाणी भी मिट्टी होगी, पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ से सातवीं दृष्टि पड़ेगी संतान के घर के ऊपर, जिसके कारण क्योंकि शुक्र ग्रह एक रति कारक ग्रह है, जिसके कारण अगर शुक्र की दशा चल रही होगी तो कन्या संतान अधिक होगी। लेकिन अगर पांचवें घर में पुरुष ग्रह बैठे हैं, जैसे कि बृहस्पति बैठे हैं, सूर्य मंगल ग्रह बैठे हैं, तो पहले लड़का हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे ग्रह की युति यहाँ पे नहीं है तो कन्या संतान अधिक हो सकती है। तो इसलिए आप दूसरे ग्रह की युति दृष्टि जरूर देख लें, तभी आप सही फलादेश कर पाएंगे। इसके अलावा जातक एक अच्छा अभिनेता हो सकता है, गीत संगीत कला में जातक की रुचि होगी, तो कुल मिलाकर शुक्र ग्रह ज्यादातर आपको अच्छे फल ही देगा। जातक विद्वान होगा, जातक की ज्योतिष तंत्र मंत्र में भी रुचि होगी, गुप्त विद्याओं का जातक जानकार होगा, तो शुक्र की दशा अच्छी जाएगी, विवाह के बाद उन्नति होगी और शुक्र की दशा में नौकरी में व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, अब बात करेंगे वृष लग्न की कुंडली में जब शुक्र ग्रह 11वें घर में बैठा होगा, जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या उपाय करने चाहिए। इस लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह लग्नेश भी है क्योंकि लग्न का स्वामी है, छठे घर का स्वामी है, तो एक अच्छे घर का स्वामी है लेकिन छठे घर का स्वामी, लेकिन लग्नेश होने से शुक्र को छठे घर का स्वामी होने का दोष नहीं लगेगा। यहाँ पर बैठा है शुक्र ग्रह मीन राशि में, उच्च राशि में, जिसके कारण जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा शुक्र, क्योंकि ये लग्नेश भी है और अपनी उच्च राशि में बैठा है, मीन राशि में बैठा है और एक अच्छे घर में बैठा है, तो यहाँ पर शुक्र राजयोग कारक है, बहुत ही अच्छे फल देगा। लेकिन आपने एक सिर्फ एक बात याद रखनी है, आप अगर शुक्र ग्रह यहाँ पे अस्त बैठा है तो उसका रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि अस्त होने से शुक्र के अच्छे फलों में कमी आ सकती है। अगर डिग्री भी कम है शुक्र की, जैसे कि 0-1 डिग्री का है, तब भी उसका रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देगा यहाँ पे। तो लेकिन अगर आपके ऊपर कन्या संतान अधिक हो रही है, क्योंकि सातवीं दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि के ऊपर, संतान के घर के ऊपर, तो यहाँ पर शुक्र कन्या संतान अधिक देता है, पुत्र संतान विलंब से होगी, लेकिन आप कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह की प्लेसमेंट जरूर देख लें। तो अगर आपको कन्या संतान अधिक हो रही है तो यहाँ पर आपको शुक्र की मतलब शुक्र का जो बल को कम करना पड़ेगा, उसकी डिग्री को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शुक्र ज्यादा बलवान हुआ तो कन्या संतान ज्यादा होती है, तो इसलिए बुध ग्रह को भी देखना पड़ेगा, दूसरे ग्रहों की दृष्टि ज्योति जरूर देखनी पड़ेगी, तो पुत्र कारक बृहस्पति को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर शुक्र
क्या फल देगा वो अभी आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि लाभ के घर में बैठा है, जिसके कारण जातक को कभी भी लाभ में कमी नहीं आने लगी। जातक के आमदन के साधन एक से अधिक होंगे। बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा होगा। जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, क्योंकि लग्नेश उठ के चला गया अपनी उच्च राशि में, जिसके कारण जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, मेहनती होगा, और जातक को मेहनत का फल मिलेगा। इसके अलावा क्योंकि ये छठे घर का स्वामी है, यानी कि शत्रु लोग कर्जा का स्वामी है, जिसके कारण जातक के ऊपर कभी भी कर्जा नहीं रहेगा। शत्रुओं का नाश अपने आप होता रहेगा और कभी भी जातक को रोग नहीं लगेगा। तो यहाँ 5वें घर को देखने का जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान, विद्यावान, संतान सुख अच्छा मिलेगा। चाहे कन्या संतान हो, लेकिन संतान सुख अच्छा मिलेगा। संतान आज्ञाकारी होगी, समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी। जातक गुप्त विद्याओं का जानकार भी होगा। देश विदेश की यात्राएं करेगा शुक्र की दशा में, और विवाह के बाद भाग्योदय होने का योग है। तो इसके अलावा भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों से युक्त भी होगा। जातक सुंदर होगा, बहुत ज्यादा सुंदर होगा शुक्र की वजह से, और पत्नी भी सुंदर होगी। तो दोस्तों, अब बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली में जब शुक्र ग्रह 11वें घर में, यानी कि लाभ घर में बैठा होगा, जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। मिथुन लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह पंचमेश होता है और 12वें घर का स्वामी होता है, यानी कि त्रिकोण का स्वामी है, त्रिक भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर बैठा है शुक्र ग्रह मेष राशि में, यानी कि सम राशि में, जिसके कारण कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा, लेकिन ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, क्योंकि शुक्र पंचमेश शुक्र 11वें घर में बैठा है और 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, जिसके कारण यहाँ पर शुक्र के कारण, क्योंकि अपने ही घर को देखने के कारण शुक्र इस कुंडली में पंचमेश है, संतान का स्वामी है, विद्या का स्वामी है, बुद्धि का स्वामी है, जिसके अगर संतान सुख बहुत ही अच्छा होगा। जातक की संतान बहुत ज्यादा अच्छी होगी, समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, आज्ञाकारी होगी, लेकिन कन्या संतान अधिक होगी, पुत्र संतान विलंब से होगी। अगर पुरुष ग्रह इस 5वें घर में बैठे हैं, जैसे कि बृहस्पति, मंगल, सूर्य, तो पुत्र संतान के भी योग बनेंगे, लेकिन अगर पुरुष ग्रह इस 5वें घर में नहीं बैठे या दृष्टि नहीं पड़ रही, तो कन्या संतान अधिक होगी। इसके अलावा क्योंकि ये 12वें घर का स्वामी है, जातक शुक्र की दशा में विदेश यात्रा अवश्य करेगा, और विदेश में रहने से जातक को लाभ भी है। जातक बुद्धिमान होगा, जातक के जो आमदन के साधन है एक से अधिक होंगे। जातक भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों से युक्त होगा। विवाह के बाद विशेष भाग्योन्नति होगी। तो इसके अलावा आमदन के साथ खर्च भी अधिक होता है, क्योंकि ये खर्च का स्वामी भी है, तो आमदन के साथ साथ खर्च भी जातक के अधिक होंगे। तो यहाँ पर शुक्र आपको रले मिले ही फल देगा। इसके अलावा जो प्रथम संतान होगी, क्योंकि संतान उठ के चलेगी लाभ के घर में, जिसके कारण प्रथम संतान होने के बाद जातक को अधिक लाभ होता है, तो शुक्र की दशा अंतर्दशा बिजनेस में लाभ देगी, बहुत अच्छी जाएगी। लेकिन दूसरे ग्रह को जरूर देख लें, अगर राहु ग्रह बैठा है तो गुप्त नुकसान होता है, व्यापार में नुकसान होगा। केतु ग्रह बैठा है, इसके कारण भी लाभ में कमी आती है। अगर मंगल ग्रह बैठा है, क्योंकि ये मेष राशि मंगल की है, तो इसके कारण जातक उद्योगपति होगा, एक करोड़पति होगा, तो इसलिए दूसरे ग्रह को जरूर देख लें। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कर्क लग्न की कुंडली में जब शुक्र ग्रह 11वें घर में बैठा होगा, जातक को क्या क्या फल देगा, इसके क्या क्या उपाय करने हैं। कर्क लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह 2 घरों का स्वामी है, 4वें घर का, यानी कि माता, मकान, वाहन, भूमि का स्वामी है, 11वें घर का स्वामी है, लाभ का स्वामी है, आमदन के साधन का स्वामी है, इच्छा पूर्ति का स्वामी है। शुक्र यहाँ बैठा है वृष राशि में, अपनी ही राशि में बैठा है, और एक अच्छे घर में बैठा है और अपनी राशि में बैठा है, जिसके कारण यहाँ पे एक अच्छा योग बना, मालवीय योग बना, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है, जो कि शुक्र जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा। जब भी शुक्र की अंतरदशा चलेगी या फिर चलेगी महादशा, बहुत अच्छे फल देगी। शुक्र के कारण जातक सुंदर होगा, पत्नी भी सुंदर होगी, जातक के जो आमदन के साधन है एक से अधिक होंगे। बड़े भाई बहनों को सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि बड़े भाई बहनों के घर में बैठा है शुक्र, बड़े भाई बहनों से लाभ भी होता है,
जातक को कभी भी नौकरी व्यापार में लाभ में कमी नहीं रहेगी। और शुक्र है चौथे घर का स्वामी भी, यानी कि माता का स्वामी लाभ में चला गया, माता से भी लाभ होता है, माता से गच्छा मिलेगा। मकान वाहन का भी स्वामी है, चौथे घर का स्वामी है, जिसके कारण जातक को शुक्र की दशा में मकान वाहन का पूर्ण सुख मिलता है। नौकर चाकर यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी शुक्र की दशा में अवश्य होगी। लेकिन सातवीं दृष्टि पड़ेगी वृश्चिक राशि के ऊपर, जिसके कारण कन्या संतान अधिक होगी। प्रथम कन्या के योग है, लेकिन आप दूसरे ग्रह को जरूर देख लें। अगर वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है, मंगल ग्रह अपने ही घर में बैठे है या मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो पुत्र संतान के भी योग हैं। इसके अलावा जातक बुद्धिमान होगा, विद्यावान होगा और अपनी बुद्धि से धन कमाने में कामयाब होगा। दोस्तों अब बात करते हैं सिंह लग्न की कुंडली की। सिंह लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह मिथुन राशि में बुध की राशि में बैठा है। इस लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह दो घरों का स्वामी है, तीसरे घर का यानी कि भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का और दसवीं भाव का यानी कि नौकरी व्यापार का स्वामी है। बैठा है मिथुन राशि में, यानी कि मित्र राशि में बैठा है, एक अच्छे घर में बैठा है। यहाँ पे शुक्र ग्रह जातक को बहुत अच्छे फल देगा, क्योंकि नौकरी व्यापार का स्वामी उठ के चलेगा लाभ के घर में, जिसके कारण जातक को कभी भी लाभ में कमी नहीं रहेगी। और शुक्र की वजह से जातक एक उद्योगपति होगा, बहुत ज्यादा धनवान होगा, करोड़पति होने के योग बन रहे हैं शुक्र की वजह से। तो इसके अलावा जातक के जो आमदन के साधन है एक से अधिक होंगे। मकान वाहन आदि सुखों से जातक युक्त होगा, पिता की आयु लंबी होगी, बिजनेस में बहुत ज्यादा तरक्की करता है, जातक समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। लेकिन अगर शुक्र ग्रह के साथ राहु केतु बैठे हैं तो लाभ में कमी आएगी, बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए दूसरे ग्रहों की युति दृष्टि जरूर देख लें। इसके अलावा जातक के मित्र अच्छे होंगे, मित्रों से भी बराबर लाभ होगा। सातवीं दृष्टि पड़ेगी धनु राशि के ऊपर, संतान सुख अच्छा मिलेगा, जातक बुद्धिमान होगा, विद्यावान होगा, पढ़ा लिखा होगा, लेकिन कन्या संतान अधिक होने के योग। तो शुक्र की दशा शुभ फल देगी, बिजनेस में जातक को धन लाभ होगा और जातक को उद्योगपति जरूर बनाएगी। जातक बहुत ज्यादा धनवान होता है शुक्र की वजह से, लेकिन डिग्री जरूर देख लें आप जो कितने डिग्री का बैठा है। भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा, क्योंकि छोटे भाई बहनों का स्वामी उठ के चला गया बड़े भाई बहनों के घर में, भाई बहनों से भी लाभ होता है जातक को, छोटे भाई बहनों से लाभ अवश्य होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कन्या लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह दो घरों का स्वामी है, दूसरे घर का स्वामी है धन वाणी पारिवारिक सुख का स्वामी है, यानी कि मार्गशीर्ष है और भाग्यश भी है, त्रिकोण का स्वामी, जिसके कारण भाग्यश होने से इस कुंडली में चाहे मार्गशीर्ष है फिर भी अच्छे फल ही देगा। अगर शुक्र ग्रह बैठा है कर्क राशि में तो इसके कारण जातक को ज्यादातर अच्छे फल ही मिलेंगे, क्योंकि भाग्य उठ के चला गया लाभ के घर में, तो एक अच्छे घर में बैठने के कारण शुक्र जातक को बहुत ही अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? जातक बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा, जातक पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, जातक काफी सुंदर होगा, पत्नी भी सुंदर होगी। इसके अलावा जातक अच्छे मित्रों से युक्त होगा, क्योंकि मित्रों के घर में बैठा है। जातक के जो आमदन के साधन है वो एक से अधिक होंगे, कभी भी जातक को लाभ में कमी नहीं रहेगी। जातक का जब भाग्य उदय है वो विवाह के बाद भी होगा और प्रथम संतान होने के बाद भी होगा और विदेश में भी हो सकता है, क्योंकि विदेश का घर भी है, जो नवम भाव है विदेश का भी है, जिसके कारण विदेश में भी भाग्य होने के योग है। पत्नी सुंदर होगी, सुशील होगी, आज्ञाकारी होगी, लेकिन फिर भी आप मीन राशि के स्वामी बृहस्पति को जरूर देख लें। अगर बृहस्पति अच्छे घर में नहीं है तो पत्नी का सुख कम मिलता है। कन्या संतान अधिक होगी, क्योंकि रति कारक ग्रह है शुक्र, संतान घर को देखने के कारण कन्या संतान अधिक होगी। फिर भी आप शनि ग्रह को जरूर देख लें, पंचमेश शनि है उसको जरूर देखें। इसके अलावा जातक गुप्त विद्याओं का जानकार भी होगा, तो यहाँ पर भी शुक्र आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा, मेहनत का लाभ भी जातक को मिलता है, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, पिता से लाभ होगा, क्योंकि पिता का स्वामी उठ के चलेगा लाभ के घर में। तो शुक्र की दशा में
जातक को बिजनेस में लाभ अवश्य होगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे तुला लग्न की कुंडली में, जब शुक्र ग्रह 11वें घर में बैठा होता है जातक को क्या क्या फल देता है और इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए। तुला लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह लग्नेश भी होता है, लग्न का स्वामी है और अष्टमेश भी होता है, लेकिन ये लग्नेश होने से शुक्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा, तो जिसके कारण अच्छे फल ही देगा। शुक्र लेकिन बैठा है शत्रु राशि में बैठा है, चाहे शत्रु राशि में बैठा है फिर भी जातक को अच्छे फल ही देगा। क्यों? क्योंकि ये लग्नेश भी है, लग्न का स्वामी है और एक अच्छे घर में बैठा है। चाहे राशि शत्रु है लेकिन अच्छे घर में होने से जातक को ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। जातक सुंदर होगा, जातक बुद्धिमान होगा, अड़चनों के बावजूद उच्च विद्या प्राप्ति के योग बनेंगे, संगीत गीत कला में रुचि होगी। इसके अलावा अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन सा व्यापार करें जिसमें आपको लाभ हो। अगर आप शुक्र की वस्तुओं का व्यापार करेंगे उसमें आपको अधिक लाभ होगा, जैसे कि वस्त्र, वाहन, दूध, पनीर, मोती, कागज आदि संबंधी व्यापार कर सकते हैं आप। सातवीं दृष्टि पड़ेगी कुंभ राशि के ऊपर, संतान सुख अच्छा मिलेगा लेकिन कन्या संतान अधिक होगी। इसके अलावा अगर शुक्र ग्रह के साथ बुध ग्रह, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, इनमें से किसी ग्रह का योग या दृष्टि शुक्र ग्रह के साथ बन रहे हैं तो विदेश में भाग्य होने के योग बनेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह अष्टमेश भी, अष्टमेश 11वें घर में बैठा है जिसके कारण जातक की आयु लंबी होगी। लग्नेश उठ के लाभ घर में बैठा है जिसके कारण जातक बहुत ज्यादा मेहनती होगा, बुद्धिमान होगा, उसे मेहनत का फल मिलता है। तो आमदन के साधन एक से अधिक होंगे, भाइयों का सुख अच्छा मिलेगा, भाई अधिक होंगे, मित्र अच्छे होंगे। तो यहाँ पर भी क्योंकि शुक्र लग्नेश है, लग्नेश की दशा आपको शुभ फल देगी, जातक को बिजनेस में लाभ होगा। तो अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली की। वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह दो घरों का स्वामी होता है और मुख्य मार्गेश है, क्योंकि ये सातवें घर का स्वामी है, जीवन साथी बाप का स्वामी है और बारहवें घर का स्वामी है, मुख्य मार्गेश है और बैठा भी नीच राशि में है, क्योंकि 11वें घर में शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच का हो जाता है जिसके कारण ज्यादातर खराब फल ही देगा, क्योंकि ये अपनी परम नीच राशि में बैठा है। चाहे कुंडली में एक अच्छे घर में बैठा है लेकिन नीच राशि में बैठा है और मार्गेश भी है, कुंडली का मार्गेश है, नीच राशि में बैठा है जिसके कारण शुक्र अपनी दशा में खराब फल ही देगा। खराब फल क्या देगा? क्योंकि बड़े भाई बहनों के घर में बैठा है जिसके कारण भाई बड़े बड़े भाई बहनों से कम बनेगी, उनके सुख में कमी। इसके अलावा ये जीवन साथी भाव का स्वामी होके 11वें घर में बैठा है नीच राशि में जिसके कारण जीवन साथी से विचार कम मिलेंगे, जीवन साथी के सुख में कमी, मैरिज लाइफ संबंधी परेशानियां दिक्कत आती हैं, विवाह विलंब से होता है। तो अगर यहाँ पर सातवें घर के ऊपर पापी ग्रह बैठे हैं जैसे कि राहु केतु बैठे हैं तो इसके कारण तलाक होने के योग बनेंगे, तो इसलिए दूसरे ग्रह की युति जरूर देख ले। अगर शुक्र ग्रह के साथ बुध ग्रह बैठा है तो इसके कारण नीच भंग राजयोग बनेगा जिसके कारण शुक्र ग्रह का नीच भंग हो जाएगा। अगर बुध ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है शुक्र ग्रह ऊपर तब भी नीच भंग राजयोग बनेगा। अगर बृहस्पति की दृष्टि भी शुक्र के ऊपर पड़ रही है इसके कारण शुक्र के बुरे फलों में कमी आएगी, तो इसलिए जरूरी है कि आप दूसरे ग्रहों को जरूर देख लें। जातक का धन है फजूल खर्ची अधिक होगा क्योंकि ये फजूल खर्ची का घर भी है। जातक को जातक जितनी मेहनत करेगा उसे उतना लाभ नहीं मिलेगा, मेहनत से जातक को जितना मेहनत का भी लाभ कम ही मिलता है क्योंकि नीच राशि में बैठा है तो शुक्र की दशा खराब फल देगी। पत्नी से नहीं बनेगी, पत्नी सुख नहीं मिल पाएगा, जीवन साथी का सुख नहीं मिल पाएगा। हाँ अगर सातवें घर के ऊपर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है या शुभ ग्रह इस घर में बैठे हैं तो मैरिज लाइफ का सुख मिलेगा, कन्या संतान अधिक होगी। सातवीं दृष्टि पड़ेगी मीन राशि के ऊपर, कन्या संतान अधिक होगी, जातक बुद्धिमान होगा, विद्यावान होगा, पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा। तो यहाँ पर आप शुक्र की वस्तुओं का दान करें, शुक्रवार को चींटियों को चीनी डाल सकते हैं, शुक्र के मंत्र को सिद्ध करेगा वो दशा चल रही है, और जाना शुक्र कवच का पाठ करें या फिर शुक्रवार को व्रत करें, कथा करें, आरती करें। तो दोस्तों अब बात करेंगे धनु लग्न की कुंडली में।
धनु लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह मुख मार्गिज होता है, क्योंकि ये छठे घर का स्वामी है और ग्यारहवें घर का स्वामी है। लेकिन अगर शुक्र ग्यारहवें घर में वृष राशि में अपनी ही राशि में बैठ है तो जातक को बहुत अच्छे फल देगा, चाहे कुंडली का मार्गिज है फिर भी, क्योंकि अपनी ही राशि में बैठा है और एक अच्छे घर में बैठा है तो जातक को बहुत अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन उसकी डिग्री जरूर देख लें, अगर शुक्र ग्रह अस्त है तो वो कम बलशाली हो जाएगा, 0-1 डिग्री का है तब भी कम बलशाली हो जाएगा, इसलिए उसका रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि शुक्र ग्रह अपने घर में बैठा है। तुला राशि में बैठा है तो यहाँ पे एक अच्छा योग लेके बैठा है, मालवीय योग, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक उत्तम योग है। जब भी शुक्र की दशा चलेगी बहुत अच्छे फल मिलेंगे। क्या अच्छे फल मिलेंगे? क्योंकि ये बड़े भाई बहनों के घर में बैठे हैं, बड़े भाई बहनों का सुख अच्छा, आमदन के घर में बैठे, आमदन के साधन एक से देखोगे। इसके अलावा शुक्र क्योंकि अपने घर में बैठा जातक बहुत ज्यादा सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, पढ़ा लिखा होगा, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि सातवीं दृष्टि पड़ रही है विद्या घर के ऊपर। संतान सुख अच्छा मिलेगा, संतान बहुत ज्यादा समझदार होगी, पढ़ी लिखी होगी, आज्ञाकारी होगी, जातक को भूमि मकान वाहन आदि सभी सुख मिलेंगे। पत्नी सुंदर होगी, पत्नी सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन कन्या संतान अधिक होगी, सातवीं दृष्टि पड़ने के कारण कन्या संतान अधिक होगी, लेकिन आप मेष राशि के स्वामी मंगल ग्रह को जरूर देख लें। इसके अलावा जातक ज्योतिष मंत्र विद्याओं का जानकार भी होगा, गुप्त विद्याओं का जानकार होगा, क्योंकि छठे घर का स्वामी भी है शुक्र, जो कि शत्रु रोग कर्जा का है, जिसके कारण जातक के ऊपर कभी भी कर्जा नहीं रहेगा। शुक्र की दशा में शत्रुओं का नाश होगा, जातक को कभी भी कोई रोग आसानी से नहीं लगेगा। इसके अलावा जातक अगर शुक्र ग्रह के ऊपर मंगल ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जब मंगल ग्रह साथ में बैठा है, तो इसके कारण जातक में काम वासना अधिक होगी, जातक विलास प्रिय होगा। लेकिन अगर गुरु ग्रह बैठा है या गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो इसके कारण जातक धार्मिक होगा। तो जातक को शुक्र की दशा बहुत अच्छे फल देगी, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में बैठा है तो नौकरी में, व्यापार में, बिजनेस में लाभ भी होगा, शुक्र की दशा में बहुत अच्छे फल देगी, शुभ फल देगी। तो दोस्तों अब बात करेंगे मकर लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह पंचमेश होता है, पांचवें घर का स्वामी है, दसवें भाव का स्वामी है, नौकरी व्यापार बिजनेस का स्वामी है, संतान बुद्धि विद्या का स्वामी है। बैठा है शुक्र वृश्चिक राशि में, सम राशि में बैठा है, तो जिसके कारण ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्यों? क्योंकि शुक्र पंचमेश होकर ग्यारहवें घर में बैठा है और आप सातवीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, जिसके कारण क्योंकि संतान सुख अच्छा मिलेगा, संतान का स्वामी होकर अपने ही घर को देखने के कारण संतान सुख बहुत अच्छा मिलेगा, संतान आज्ञाकारी होगी, लेकिन कन्या संतान अधिक होगी। इसके अलावा जातक बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा, विद्यावान होगा, सातवीं दृष्टि वृष राशि के ऊपर पड़ने के कारण जातक गुप्त विद्याओं का जानकार होगा। इसके अलावा ये नौकरी व्यापार का स्वामी है, नौकरी व्यापार का स्वामी बैठ गया लाभ घर में, जिसके कारण जातक बहुत ज्यादा उद्योगपति होगा, जातक के आमदन के साधन एक से अधिक होंगे, जातक विद्वान होगा, ग्रंथकार होगा, पत्रकार होगा, बहुत ज्यादा धनवान होगा। तो शुक्र की दशा बहुत अच्छे फल देगी, नौकरी व्यापार बिजनेस में लाभ होगा, जातक को कभी भी लाभ की कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर भी शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देगा, पत्नी सुख अच्छा मिलेगा, लेकिन कर्क राशि के स्वामी चंद ग्रह को जरूर देख लें, अगर चंद ग्रह भी शुभ घर में बैठा है तो जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे कुंभ लग्न की कुंडली की। कुंभ लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह योग कर ग्रह होता है, क्योंकि ये चौथे घर का स्वामी होता है, नवम भाव का स्वामी होता है, यानी कि इस कुंडली में शुक्र ग्रह योग कारक ग्रह है। चौथा घर माता मकान वाहन का और बागेश। शुक्र यहाँ बैठा है धनु राशि में, चाहे शत्रु राशि में बैठा है लेकिन अच्छे घर में बैठा है और कुंडली का योग कारक ग्रह है, तो इसके कारण आपको ज्यादातर अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल क्या देगा? चौथा घर होता है माता का, मकान वाहन का, यानी कि माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। शुक्र की दशा में जातक भाग्यशाली होगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा,
आमदनी के साधन भी एक से अधिक होंगे। तो यहाँ पर भी शुक्र आपको बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन क्योंकि शुक्र धनु राशि में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, जिसके कारण जातक को पहले पहले कठिनाइयां जरूर आएंगी। जीवन के जो शुरुआती जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर करना पड़ेगा शत्रु राशि होने के कारण, चाहे कुंडली का योग कर ग्रह है। लेकिन जातक बुद्धिमान होगा, परोपकारी होगा, क्योंकि माता मकान वाहन का स्वामी भी है शुक्र, जिसके कारण जातक को मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, सभी भौतिक सुख मिलेंगे शुक्र की दशा में। कन्या संतान अधिक होगी, पुत्र संतान कम होगा, लेकिन आप मिथुन राशि के स्वामी को जरूर देख लें पुत्र संतान के लिए। जातक की सातवीं दृष्टि कारण जातक की ज्योतिष मंत्र विद्याओं में भी रुचि होगी। तो पिता का सुख अच्छा मिलेगा, जातक धार्मिक होगा। तो दोस्तों लास्ट में बात करेंगे मीन लग्न की कुंडली की। इस लग्न कुंडली में भी शुक्र का मुख्य मार्गेश है, क्योंकि ये आठवें घर का स्वामी है, खराब घर का स्वामी है, तीसरे घर का स्वामी, भाई बहन का स्वामी है। लेकिन शुक्र ग्रह बैठा है एक अच्छे घर में, ग्यारहवें घर में बैठा है, मकर राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, चाहे लग्नेश बृहस्पति का शत्रु है। तो इसके कारण कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल देगा। अच्छे फल क्यों? क्योंकि मित्र राशि में बैठा है। खराब फल क्यों? क्योंकि ये मार्गेश है और लग्नेश बृहस्पति का शत्रु है। तो यहां पर शुक्र होने से जातक बुद्धिमान होगा, काफी परेशानियों के बाद उच्च तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करेगा, भूमि मकान वाहन आदि सुख साधनों से युक्त होगा, उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंध रखने वाला होगा, रति मित्र वर्ग के संग में विशेष प्रसन्न रहने वाला होगा, संगीत में रुचि होगी, ज्योतिष में रुचि होगी, मंत्र लॉटरी में भी जातक की रुचि होगी। तो बिजनेस के क्षेत्र में भी काफी संघर्ष के बाद जातक को लाभ होगा, क्योंकि अष्टमेश है, अष्टमेश उठ के चला गया लाभ के घर में, जिसके कारण यानी कि आयु का स्वामी चला गया लाभ में, यानी कि आयु में लाभ, यानी कि आयु लंबी होगी। तो भाई बहनों का सुख भी अच्छा मिलेगा, खास तौर पे छोटे भाई बहनों का सुख अच्छा मिलेगा। इसके अलावा देश विदेश में भी जातक यात्रा करने वाला होगा। तो आप दूसरे ग्रह की युति दृष्टि जरूर देख लें। अगर शुक्र ग्रह के साथ मंगल ग्रह बैठा है तो जातक में काम वासना अधिक होगी, विलास प्रिय होगा। तो ऐसा जातक ऐशो आराम से अपना जीवन जीता है, लेकिन सातवीं दृष्टि पड़ेगी कर्क राशि के ऊपर, कन्या संतान अधिक होगी, लेकिन संतान सुख अच्छा मिलेगा जातक को। तो जब भी शुक्र की दशा चलेगी, चाहे महादशा हो चाहे अंतरदशा हो, सातवीं दृष्टि यहां से बढ़ने के कारण, क्योंकि ये अष्टमेश है, जिसके कारण संतान बीमार रहेगी और पत्नी भी बीमार रहेगी। लेकिन अगर सातवें ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पांचवें ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, कर्क राशि का स्वामी चंद्र ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है, बुध ग्रह की प्लेसमेंट अच्छी है, तो संतान सुख अच्छा मिलेगा और पत्नी सुख अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आप दूसरे ग्रह को जरूर देख लें, तभी आप सही फलादेश कर पाएंगे। अगर शुक्र ग्रह के साथ केतु ग्रह बैठा है तो व्यापार में रुकावटें आएंगी, राहु ग्रह बैठा है व्यापार में इतना लाभ नहीं मिल पाएगा जितना जातक मेहनत करेगा।